हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वाईफाई पॉइंट पर, जिसमें फ्रेंड्स आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन है फ्रेंड्स 1951, 1976, 1975 या फिर 1980। तो फ्रेंड्स आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1976 में। और इसके अंतर्गत, इस संशोधन के अंतर्गत हमारे संविधान में समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 250 या फिर अनुच्छेद 290। तो इसका आंसर है फ्रेंड हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 280। और फ्रेंड्स वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसके पास होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा फ्रेंड, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अनाई मुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो गाइज इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी केरल में। और फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर और यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो फ्रेंड्स आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? ऑप्शन है 7, 9, 6 या 8। तो गाइज इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी 9। तो आप याद रखेंगे भारत की तट रेखा पर 9 राज्य स्थित है, और कौन कौन से? तो वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, जिसमें कि फ्रेंड्स गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता हो तो प्लीज़ आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बिरजू महाराज नृत्य की किस विधा से संबंधित हैं? ऑप्शन है कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम या फिर ओडिसी। तो फ्रेंड्स आंसर है ऑप्शन नंबर ए कथक। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे बिरजू महाराज कथक नृत्य की विधा से संबंधित हैं। और कथक का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो थिरक थिरक कर किसी भी कथा को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लिनक्स क्या है? ऑप्शन है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर, एक साइट या फिर एक ग्राफिक्स। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए जो भी क्वेश्चन लाई हूँ वो या तो आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं या फिर बहुत ही एक्सपेक्टेड हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन है काली, लाल, जलोढ़ या फिर लैटराइट। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी जलोढ़। तो भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, और यह कितनी प्रतिशत है? तो 40%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछ रहा है, तो ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या पंजाब। तो आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। और अगर पहला सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य के बारे में पूछा जाए फ्रेंड, तो वो है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स आप इससे रिलेटेड ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर याद रखिएगा, ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित ना हो तो उसकी गति है क्या होगी फ्रेंड्स? तो ऑप्शन है शून्य, त्वरित गति, एक समान गति या फिर वक्रीय गति। तो त्वरण क्या होता है? तो वेग के परिवर्तन की गति को हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एक समान गति। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे यदि किसी गतिमान वस्तु में त्वरण परिवर्तित नहीं होती है तो उसकी गति एक समान होती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य पुस्तक का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन है चिकित्सा, व्याकरण, संगीत या फिर दर्शन शास्त्र। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी व्याकरण।
तो फ्रेंड्स महाभाष्य पुस्तक जो है वो व्याकरण पर लिखी गई है और इस पुस्तक के रचयिता कौन है, तो वो पतंजलि हैं। इसे भी आप याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किससे संबंधित है? ऑप्शन है बौद्ध धर्म, महावीरों के उपदेशों का संग्रह ए और बी दोनों, या फिर हिंदुओं से। तो गाइज इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। तो आप याद रखेंगे त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कौन कौन से पिटक हैं फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, इन तीनों को ही त्रिपिटक कहा जाता है। तो चलिए गाइस अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शंस है अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर नसरुद्दीन मोहम्मद महमूद शाह। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो फ्रेंड्स मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शंस है लॉर्ड वेलिचली, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले या फिर विलियम बेंटिक। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है हमारा, नवजागरण के अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन या फिर देवेंद्रनाथ टैगोर। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप याद रखेंगे नवजागरण के अग्रदूत के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। इन्हें आधुनिक भारत का पिता और सुधार आंदोलन का प्रवर्तक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 4 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 14 नवंबर या फिर 14 सितंबर। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर। और फ्रेंड्स आप याद रखेंगे बाल दिवस भी 14 नवंबर को ही आता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार की थी? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, व्योमकेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर महात्मा गांधी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी, जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सिर्फ एक बार ही की थी। और कब की थी फ्रेंड्स, तो 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में। तो आप इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है? तो ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। तो भारतीय संगीत का उद्गम किससे हुआ है फ्रेंड्स, तो सामवेद से। और हमारे चार वेद हैं कौन कौन से, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने करवाया था? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर कुमारगुप्त प्रथम। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, स्कंदगुप्त। और फ्रेंड्स सुदर्शन झील गिरनार पर्वत पर स्थित है, जो कि मौर्यों द्वारा निर्मित की गई झील है। नेक्स्ट है, कौन सी धमनियां तंतुपथ या फिर डायाफ्राम में रुधिर पहुंचाती है? ऑप्शन है कैरोटिक, फ्रेनिक, फ्यूरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेनिक, जो कि डायाफ्राम में ब्लड पहुंचाने का कार्य करती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और यह लड़ाई कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 1192 ईस्वी में। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। तो फ्रेंड्स आप इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शंस हैं उपाधियों का अंत, विधि की समसमता, अस्पृश्यता का अंत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अस्पृश्यता का अंत। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से अंत से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है? तो ऑप्शंस हैं 7, 5, 6 या 10। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है
हमारा ऑप्शन नंबर सी 6। तो आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता अधिकार है, तो 6 में। और हमारे मूल संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार था, तो 7 प्रकार की। परंतु 44वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान से 7वां हटा दिया गया, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत को कितने भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन है 3, 4, 5 या 6। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4। तो फ्रेंड्स भारत को 4 भूकंप क्षेत्रों में बांटा गया है, और वो कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फ्रेंड्स। और मैं आपको इसे एक और चीज़ बता दे रही हूँ, इसे जोन 2 से लेकर जोन 5 तक में बांटा गया है, जोन 1 इसमें नहीं आता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो फ्रेंड्स आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे महाराष्ट्र सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स आप हमें हमारे फेसबुक ग्रुप और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स।